नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने हमारे पिछले वीडियो में पद परिचय वाच्य जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनका जो अध्ययन है वो किया था। आज हमारा बिंदु रहेगा रस। देखिए विद्यार्थियों, जो रस विषय है वो बहुत ही सरल विषय है और इसमें से जो आपकी परीक्षा है उसमें 4 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम जब रस है उसको पूर्ण रूप से देख लेंगे तो जो 4 नंबर है वो हमारे लिए लाना परीक्षा में इतना आसान हो जाएगा जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक जो रस है उसको समझना है। हमने पहले भी जो कक्षाएं वगैरह है उसमें जो रस है उसका अध्ययन कर लिया था। जो रस है वो नाम से ही नहीं बल्कि जब हम उसको फड़ेंगे उसका विस्तारपूर्ण अध्ययन करेंगे तो वाकई में आपको जो रस है अर्थात जो आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे रस। तो देखिए, रस से तात्पर्य जो रस है वो संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रस को परिभाषित किया है। तो देखिए बच्चों, संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, उन्होंने रस को क्या किया है, परिभाषित किया है। ठीक है, पहले जो आचार्य हैं जिन्होंने रस को परिभाषित किया है वो है आपके भरत मुनि। ठीक है, तो भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्यशास्त्र, कृति का अर्थ होता है बेटा रचना। ठीक है, भरत मुनि ने एक अपनी रचना लिखी और उस रचना का नाम था नाट्यशास्त्र। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। ठीक है, तो हम साहित्य उठा करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भरत मुनि एक आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्र के और उन्होंने एक रचना लिखी थी नाट्यशास्त्र, और उस नाट्यशास्त्र में सबसे पहले उन्होंने जो रस विषय है उसका क्या किया था, उल्लेख किया था। ठीक है, उनके अनुसार विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ होता है प्राप्ति। ठीक है बच्चों, निष्पत्ति का क्या अर्थ होता है, प्राप्ति। तो आपके समझ में आ गई बात कि संस्कृति के आचार्य हुए हैं, ठीक है, काव्य शास्त्र के, और उनका नाम क्या था, भरत मुनि था। भरत मुनि ने एक अपनी रचना लिखी और उस रचना का क्या नाम था, नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम जो रस है उसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उनके अनुसार आपका जो विभाव है अनुभाव है तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या जो रस है उसकी क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो आपने जो रस है उसका जो तात्पर्य है उसका जो आशय है वो अच्छी तरह से समझ लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम रस की परिभाषा। अक्सर परीक्षा में जो रस है उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, 1 नंबर की जो परिभाषा है वो पूछ ली जाती है। तो हम रस की परिभाषा को जानेंगे। जो रस है, जो रस शब्द है उसका सामान्य अर्थ होता है जल या स्वाद आस्वाद का ज्ञान अथवा आनंद होता है। ठीक है, रस का जो अर्थ है वो क्या होता है, जल स्वाद आस्वाद का ज्ञान अथवा आनंद होता है। ठीक है, रस शब्द का मूल अर्थ है आनंद। जो रस शब्द है उसका मूल जो अर्थ है वो क्या है, आपका आनंद है। इंद्रिय भोग से लेकर आत्मा अनुभूति तक प्रत्येक प्रकार की सुख अनुभूति को रस कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे को देख करके सुन करके या महसूस करके आत्मा अनुभूति अर्थात आत्मा को किसकी अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या होता है, आपका रस होता है। ठीक है, तो रस की परिभाषा उसका सामान्य जो अर्थ है वह हमने जान लिया है। ठीक है, इससे अक्सर जो परीक्षा है उसमें प्रश्न है वो पूछ लिए जाते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम रस की जो काव्य के अनुसार परिभाषा है उसको। ठीक है, तो
तो देखिए, काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से, अभिनय जानते हो ना सारे के सारे, जब आप नाटक वगैरह देखते हो रंगमंच पर तो उसे क्या बोलते हैं, अभिनय बोलते हैं, ठीक है। जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं, अर्थात जिसे आनंद मिले वही क्या है, रस है। जिससे हमें आनंद मिले वही क्या है, आपका रस है। यह रस का सामान्य अर्थ है, ठीक है। यह रस का क्या है, आपका सामान्य अर्थ है। तो देखिए एक बार वापस ध्यान से सुनिए आप सारे के सारे, काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अर्थात जिसे आनंद मिले वही क्या है, आपका रस है, ठीक है। यह रस का क्या है, आपका सामान्य अर्थ है। फिर देखिए आप साहित्य के पठन पाठन से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य शास्त्र में क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगर आप किसी साहित्य को पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे या उसके बारे में जानेंगे तो जिस आनंद की आपको अनुभूति होगी वही क्या है, काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। तो आपको काव्य शास्त्र के अनुसार जो परिभाषा है उसका पता चल गया है कि रस किसे कहते हैं, किस प्रकार हमारा अंतर्मन है उसको जो आनंद है वो प्राप्त होता है। कैसे होता है बच्चों, किसी काव्य को आप पढ़ेंगे, किसी कथा को आप सुनेंगे, किसी नाटक को आप देखेंगे, किसी उपन्यास के बारे में आप सुनेंगे या उसका स्वयं क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसको सुनने, पढ़ने या देखने मात्र से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो रस है उसकी परिभाषा है वो अच्छी तरह से जान ली है। आगे देखिए, जो रस है उसके अंग बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है आपका कि जो रस है उसके जो अंग है वो कितने हैं। तो देखिए जो रस है आपका उसके अंग चार हैं। परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है कि जो रस है उसके अंग कितने हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, अपने नोटबुक में इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए रस के अंग हैं आपके चार, पहला कौन सा आपका विभाव, दूसरा कौन सा है अनुभाव, तीसरा है आपका व्यभिचारी भाव और चौथा है आपका स्थायी भाव। चारों के चारों जो आपके इसके अंग हैं उनको हम बहुत ही विस्तारपूर्ण हम क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपको इनके नाम का पता रखना है, चारों के चारों जो अंग हैं उनकी परिभाषाएं आपको आनी चाहिए कि विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं और स्थायी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। इन चारों का आपको पता होगा तब आप अच्छी तरह से क्या जो प्रश्न है उसका उत्तर है वो दे सकेंगे, ठीक है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रस के अंग कितने हैं, नाम लिखिए, तो एक नंबर का जो आपका प्रश्न है वो इससे संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। पता चल गया आपको रस के चार अंग है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो देखिए आगे विभाव किसे कहते हैं, प्रश्न आ गया आपका, विभाव किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपको अगर पता ही नहीं होगा विभाव का, आपने अच्छी तरह से उसको पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो आप परीक्षा में उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में अच्छी तरह से इसको परिभाषित करने के लिए आपको इसको अच्छी तरह से सुनना होगा, इसको अच्छी तरह से आपको क्या होगा, पढ़ना होगा और अपने नोटबुक में इसको लिखना भी होगा, ठीक है। क्योंकि सुनने और पढ़ने से ज़्यादा लिखने से क्या होता है, याद होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें विभाव का अर्थ है कारण, विभाव का अर्थ क्या है, कारण है। जो कारण हृदय में स्थित है, जो कारण हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, ठीक है। बच्चों समझ में आ गई आपके बात कि जो विभाव है उसका अर्थ क्या है, कारण, ठीक है। और यह कारण हृदय में क्या होते हैं, स्थायी भाव है उसको जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, ठीक है। विभाव कहलाते हैं, विभाव के दो भेद हैं, हमने जाना था कक्षा में भी,
कि जो विभाव है वो किसे कहते हैं और जो विभाव है उसके कितने भेद हैं। ठीक है, देखिए जो आपका विभाव है उसके दो भेद हैं, पहला है आपका आलंबन और दूसरा कौन सा आपका उद्दीपन है। पहला कौन सा आपका आलंबन है और दूसरा कौन सा आपका उद्दीपन है। ठीक है, तो हम आलंबन और उद्दीपन को विस्तार से जानेंगे। आलंबन किसे कहते हैं, ठीक है, अक्सर परीक्षा में जो आपका विभाव है उसके जो भेद हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आलंबन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखिए आलंबन जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। ठीक है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है अर्थात जिसे देखकर सुनकर रस गुण या मनोविकार जागृत हो उसे ही क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या समझा, आपने क्या समझा कि जो आपके आलंबन विभाव हैं वो किस प्रकार हमारे अंतर्मन में जो स्थायी भाव हैं, हम जानेंगे आगे स्थायी भाव कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्थायी भाव है उनको क्या कर देते हैं, जागृत कर देते हैं, उनको उद्दीप्त कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण, आपने कोई वस्तु देखी या आपने कोई व्यक्ति को देखा, ठीक है, उसको देखते ही आपके अंतर्मन में जो स्थायी भाव है वो क्या हो गया, जागृत हो गया। ठीक है, या उसके बारे में आपने सुना, जैसे कि आप बैठे हो, आपका कोई मित्र वगैरह है उसके बारे में आप सुनते हो, कोई दूसरा बात कर रहा है उसके बारे में आपने सुना और आपके मन में उसके प्रति जो मित्रता का भाव है वह क्या हो गया, जागृत हो गया। माँ है अपने बच्चे के बारे में सुनती है तो उसके मन में जो वात्सल्य का भाव है वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। ठीक है, तो उसको देख कर या सुनकर रस गुण या मनोविकार जागृत हो जाए, ठीक है, आपके अंतर्मन में एक विकार सा क्या हो जाए, जागृत हो जाए, उसे क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है, तो आलंबन है वो आपके चित्र से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक बात है वो उदाहरण के माध्यम से अगर समझी जाए तो अच्छी तरह से क्या होती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, नायक नायिका, नायक नायिका, ठीक है, नायक है वो अपनी नायिका के बारे में या नायिका है वो अपने नायक के बारे में जब सुनती है या उसको देखती है तो उसके मन में जो रति भाव है वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। ठीक है, आ गई बच्चों बात समझ में आपके, आलंबन विभाव किसे कहते हैं। अब देखिए जो आपका आलंबन विभाव है उसके भी क्या हैं, दो भेद हैं। ठीक है, हिंदी ऐसा विषय है जिसमें अगर गहराइयों में उतरा जाए तो जो गहराइयां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, अर्थात प्रत्येक शब्द प्रत्येक परिभाषा के अंदर अनेक इस प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं जिनका जो अर्थ है बड़ा ही क्या होता है, गूढ़ होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो हमने देखा जब विभाव था उसके भी दो प्रकार थे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर हमने देखा कि जो आलंबन है उसके भी क्या निकल कर आ गए, दो जो भेद है वो निकल कर के आ गए, पहला कौन सा आपका विषय और दूसरा कौन सा आपका आश्रय। ठीक है, तो हम जानेंगे इनको भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे, विषय और आश्रय क्या है। तो देखिए बच्चों, विषय जिस पात्र के, पात्र जानते हो, पात्र वो नहीं है यहाँ पे, पात्र है कोई व्यक्ति विशेष। ठीक है, जिस पात्र के प्रति किसी पात्र में भाव जागृत होते हैं वह क्या है, आपका विषय है। ठीक है, जैसे हमने देखा था नायक और नायिका। ठीक है, अगर नायिका को देख करके नायक के मन में क्या होता है, जो रति भाव जागृत होता है, तो नायक क्या हो गया, नायक क्या हो गया आपका, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अर्थात नायक है वो आपका आश्रय हो गया और विषय जो नायिका है वो हो गई। ठीक है, तो इसमें देखिए बात समझ में आ गई आपके, जिस पात्र के प्रति किसी पात्र में भाव जागृत होते हैं वह क्या है, आपका विषय। आश्रय देखिए, जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह क्या है, आपका आश्रय है। ठीक है, नायक क्या हो गया, आश्रय हो गया और विषय जो नायिका है वो हो गई। ठीक है, अगर माँ का ले तो माँ है वो क्या हो गई, आपकी आश्रय हो गई, जो उसका पुत्र है वो क्या हो गया, विषय हो गया। अब देखिए इसमें जैसे उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात को क्या करेंगे, यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो देखो श्री कृष्ण के रूप सुन जो सुंदरी हैं,
श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसको देखकर गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होना, यहाँ पर कृष्ण विषय है, यहाँ पर कृष्ण क्या है, विषय है। और जो नायिकाएं हैं अर्थात जो गोपियां हैं वो क्या है आपका आश्रय है, वो क्या है आपका आश्रय है। ठीक है, तो बात समझ में आपके आ गई। अर्थात एक व्यक्ति विशेष है, वह किसी को देखता है तो वह क्या हो गया, विषय हो गया, यानी कुछ किसी को देख करके किसी के बारे में सुन करके तो वो विषय हो गया, और जिसके अंतर्मन में इस प्रकार का भाव जागृत होता है वो क्या हो गया आपका आश्रय हो गया। ठीक है, तो हमने जो आपका आलंबन विभाव है उसको पढ़ा है और अच्छी तरह से उसके जो दो भेद हैं विषय और आश्रय उनको भी जाना है उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, तो आशा है कि आपके यह जो बिंदु था जो रस का एक अंग था वह समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम उद्दीपन विभाव। तो देखिए बच्चों, उद्दीपन विभाव देखिए आप, जो रस को और अधिक क्या करते हैं, उद्दीप्त करते हैं और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं, कौन करते हैं आपके उद्दीपन विभाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, अर्थात रति आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त करके आस्वादन योग बनाते हैं। ठीक है, उद्दीप्त करके यानी कि उनको इतना तीव्र कर देते हैं जिसके कारण वह अपनी चरम सीमा में आ जाता है। ठीक है, जो भी स्थायी भाव है वह क्या होता है, अपनी चरम सीमा में आ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार उन्हें रस अवस्था, ठीक है, अवस्था तक पहुंचाते हैं, वे क्या कहलाते हैं आपके उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, अंतिम चरम सीमा तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं आपके उद्दीपन विभाव करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, जैसे उदाहरण के माध्यम से हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, प्रत्येक बात को हम क्या करेंगे उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करने का कार्य हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कृष्ण मुरली बजाकर गोपियों को आकर्षित करते हैं। जो कृष्ण है वो क्या बजाते हैं, मुरली बजाते हैं। आप सबको पता है कि जो जब कृष्ण है मुरली बजाया करते थे यमुना तट के किनारे या अन्य वन उपवन वगैरह में, तब जो गोपियाँ हैं उनकी मुरली की मधुर आवाज़ सुन करके क्या हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखो, मुरली क्या है, उद्दीपन विभाव है। मुरली क्या है, उद्दीपन विभाव है, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनके मन में जो रति है, कौन सा भाव, जो रति भाव है उसको और ज़्यादा क्या कर रही है, यहाँ पर मुरली है वह बढ़ाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुरली क्या हो गई आपकी, उद्दीपन हो गई। ठीक है, फिर देखिए आगे आप, अनुभव विभाव हमने पढ़ लिया, उसके अंग वगैरह हमने पढ़ लिए हैं, अब देखेंगे हम अनुभव। तो देखिए बच्चों, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, कौन सी चेष्टाएं, बाहरी चेष्टाओं, चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, पसीने से तर हो जाना, जब आप किसी भयानक डरावनी वस्तु को देख लेते हैं तो आप उसको देखते ही स्तंभ रह जाते हैं। ठीक है, आपकी जो धड़कने हैं हृदय की वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण आपके शरीर की प्रत्येक जो बोएं अर्थात जो रोंगटे वगैरह है वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक है, रोंगटे वगैरह, फिर देखिए आप, और फिर क्या होता है, पसीना आ जाता है, यानी पूरा शरीर है वो पसीने से क्या हो जाता है, तर हो जाता है। ठीक है, तो अनुभव क्या है, शरीर की बाहरी चेष्टा, शरीर की बाहरी चेष्टा यानी आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो अनुभव है वो समझ में आ गया होगा, अर्थात स्थायी भाव को, भाव के जागृत हो जाने पर आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे भयानक वस्तु को देख करके क्या हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने से क्या हो जाना, तर हो जाना, यह क्या आपका अनुभव है। ठीक है, फिर देखिए आगे, तो देखिए इसमें अगला है आपका व्यभिचारी या संचारी भाव। अगला कौन सा है आपका, तीसरा इसका जो अंग है वो है आपका व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। तो देखिए, व्यभिचारी भाव जो संचारी भाव है वो किसे कहते हैं, तो देखो, आश्रय के मन में उठने वाले अस्त्री विकारों को व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, आश्रय है
और उसके मन में अस्त्री जो विकार है, अस्त्री विकार यानी कुछ पल के लिए कोई विकार है वो क्या होता है, जागृत होता है, और थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वह विकार है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, किस प्रकार जो व्यभिचारी भाव है उसको इस एक अच्छी सी पंक्ति के माध्यम से, कुछ एक महत्वपूर्ण मूल्यवान जो वस्तु हैं उनके जो शब्द हैं उनके माध्यम से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, कि जो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव है वह इस प्रकार के मनोविकार हैं, जैसे कि पानी में बुलबुले उठते हैं और वो कुछ पल बाद में क्या होते हैं, वापस लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यभिचारी भाव या जो संचारी भाव है उनको उपमा दे दी गई, किसकी दे दी गई है, पानी के बुलबुलों की जो उपमा है वो दे दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें इनकी संख्या 33 है, 33 पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षा में कि जो आपके संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी है, तो बच्चों कितनी है, 33 है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 33 का नाम नहीं पूछा जाता कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई, प्रश्न आने वाला है आपका एक नंबर का। ठीक है, लेकिन सभी 33 के नाम न पूछ करके आपको केवल मात्र उनकी जो संख्या है वह पूछ ली जाती है, कि जो आपके व्यभिचारी भाव, ये दूसरा नाम है बेटा इनका, जो संचारी भाव है उनका दूसरा नाम क्या है आपका, व्यभिचारी भाव है, वो कितने हैं। ठीक है, अक्सर संचारी भाव न पूछ करके क्या पूछा जाता है आपसे, व्यभिचारी भाव पूछा जाता है कि व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपको कितने बताने हैं, आपको बताने हैं 33। ठीक है, फिर देखिए अब कौन कौन से हैं। ठीक है, बात उठती है कि जो आपके व्यभिचारी या संचारी भाव वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये हैं आपके गर्व, गलानी, मति, गर्व, गलानी, मति, मोह, मरण, मद, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, निद्रा, दधि, असूया, निर्वेद, अमर्ष, अपसमार, अभिहत, जड़ता, चिंता, चपलता, क्रीड़ा, व्याधि, विभोद, वितर्क, विषाद, आलस, उग्रता, उत्सुकता, उन्माद। ठीक है, यह क्या है आपके जो व्यभिचारी भाव है या संचारी भाव है, अर्थात ये हैं कुछ पल के लिए मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं, जागृत होते हैं, और कुछ पल बाद में क्या होते हैं, वापस लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बात आपके समझ में आई कि व्यभिचारी भाव हैं वो कितने हैं, और जो आपके किस प्रकार वो 33 हैं, और 33 है तो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपसे 33 के नाम नहीं पूछेंगे, वापस बता रहा हूँ, केवल मात्र क्या पूछ जाएगा आपसे, उनकी संख्या है वो पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, ठीक है, मोह है हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें क्या, उन्हें संचारी भाव कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो दुष्यंत है वो क्या करता है, शकुंतला को देखता है, और देखते ही उसके मन में जो रति भाव क्या होता है, जागृत होता है। अब देखिए वो किस प्रकार शकुंतला के प्रति क्या दिखाएगा, मोह दिखाएगा, कुछ होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आपके आवेग हैं। ठीक है, आवेग होते हैं वो कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ पल बाद में क्या होते हैं, वापस लुप्त हो जाते हैं। आपको भी क्रोध वगैरह आता है, आप भी हंसने लग जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि दिन भर क्रोधित रहते हो या दिन भर हंसते रहते हो, कुछ पल के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, संचारी भाव हैं। ठीक है, अगला देखिए आप, स्थायी भाव। तो बच्चों आपके समझ में आ गया, विभाव है, अनुभाव है, और जो आपका संचारी भाव था वो आपके समझ में आ गया। अब देखिए स्थायी भाव, स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि जो स्थायी भाव वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उससे पहले हम स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं कि स्थायी भाव क्या है। तो देखो, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं, यानी हमारे हृदय में जन्म से ही जो भाव क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, पूर्णतः उपस्थित रहते हैं, वे भाव क्या कहलाते हैं आपके, स्थायी भाव कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य के हृदय में जन्म से ही
जो भाव विद्यमान रहते हैं अर्थात उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने 8 स्थायी भावों को बताया। अब हमने चर्चा की थी पहले भरत मुनि का नाम वगैरह आया था आपके, तो भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव माने हैं, 8 माने हैं। ठीक है, किंतु कुछ विद्वानों ने शांत और जो आपका वत्सल अर्थात वात्सल्य और भक्ति को भी क्या किया है, अलग रस मानते हुए एकादश अर्थात 11 की कल्पना की है। अतः रस भेद के अनुसार 11 स्थायी भाव माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 11 माने गए हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भरत मुनि हैं उनके अनुसार रस के जो स्थायी भाव वो कितने हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 8 बताने हैं। और अगर ऐसा पूछे जाए किसी जो काव्य शास्त्री हैं अर्थात आचार्य हैं उनका नाम न पूछ करके आपसे सीधा यह प्रश्न पूछा जाए कि स्थायी भाव हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपको कितने बताने हैं, आपको 11 है बताने अर्थात एकादश आपको बताने हैं। ठीक है, तो यह एक असमंजस वाली जो हमारे सामने बात आई थी वो पूर्णतः क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो कितने हैं, 8 हैं। और जो किसी आचार्य का नाम देकर के न पूछा जाए, सीधा सा यह पूछा जाए कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको कितने बताने हैं, एकादश बताने अर्थात 11 है बताने हैं। ठीक है, तो बात है पूर्णतः क्या हो गई, स्पष्ट हो गई है। अब हम जानेंगे रस के जो प्रकार हैं उनके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण इससे संबंधित यह एक छोटी सी सारणी है आपके सामने, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो तो पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, या तो आपसे पूछ लेते हैं स्थायी भाव देकर के रस, या रस देकर के उसका स्थायी भाव पूछा जाता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, जो श्रृंगार है ठीक है उसका स्थायी भाव आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार इनके अच्छी तरह से आपको सारणी बनानी है, सारणी बना लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर एक दो बार अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपकी जो बात है वो कंटेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तरफ लिख रखा है मैंने रस, और दूसरी तरफ क्या लिख रखा है उसका स्थायी भाव। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, रति। क्या है, रति। तो प्रश्न आपसे पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए, तो क्या लिखोगे आप, रति। ठीक है, एक शब्द है और एक नंबर है आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा है आपका हास्य रस। ठीक है, कौन सा है, हास्य। तो हास्य जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है, हास। ठीक है, हंसना, करुण। अक्सर मनुष्यों में इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, भाव है पाया जाता है। ठीक है, तो करुण जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। फिर देखिए रौद्र, रौद्र जो रस है उसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। भयानक, इसका स्थायी भाव क्या है, भय। ठीक है, तो बात है पूर्णतः क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। और भी आगे हैं तो देखिए एक बार वापस हम क्या कर लेते हैं, इनका दोहराव कर लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, आपका भय है। ठीक है, आगे और बाकी के बच गए उनको देखते हैं हम। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। विवत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, विस्मय या का भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपका वात्सल्य या जनस्नेह। जो आपका भक्ति रस है उसका स्थायी भाव क्या है, भगवत विषय जो रति है वो। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह से जो आपके स्थायी भाव हैं उनके बारे में क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। आपके अच्छी तरह से समझ में भी आए हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। आगे जो भी इससे संबंधित जो आपके स्थायी भाव वगैरह हैं उनके उदाहरण है, किस प्रकार हम क्या करेंगे उदाहरणों के माध्यम से उनके आश्रय है, विषय है और उद्दीपन है, आलंबन है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा है वो आपके समझ में आया है। ठीक है, आगे हम इसका और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।